हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th मैथ में चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 15.1 का सवाल नंबर 19 लेकर के आए हैं। सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। देखिए, उस पर लिखा गया है ए बी सी डी ई ए, मतलब उसके फलक पे ये सब अक्षर लिखे गए हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, दूसरा है डी प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पासा है, पासे पे आपको दिखाई दे रहा है कि पासे पे जो संख्या लिखी गई है वह कुछ इस प्रकार की लिखी गई है। देखिए, इस प्रकार बॉक्स में लिखा गया है। एक ऐसे टोटल 6 बॉक्स बने हुए हैं, 3, 4, ये 5 और ये 6। टोटल 6 बॉक्स बने हुए हैं। इसमें देखिए, आपका लिखा है ए लिखा है, इसमें बी लिखा है, इसमें सी डी ई और वापस ए लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब इस पासे को हम एक बार फेंकेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो उस पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ए प्राप्त हो, ए पासे को फेंकेंगे और उस पे ए प्राप्त हो, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वह देखिए, ए कितनी बार है, ये टोटल आपको जो यहाँ पे जो संख्या दिख रही है, इसमें टोटल एन बराबर हो गया 6, ठीक है। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता में आर बराबर आप देखेंगे, आर को बोलते हैं प्रयत्न की संख्या और एन को बोलते हैं कुल प्रयत्न, ठीक है। तो ए कितनी बार आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ए 2 बार है, एन का मान 6 है, इसलिए आप प्रायिकता पी ई बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप बोलेंगे आर बटे एन। सो स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, 2/6 इक्वल टू 1/3 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि ये जो प्रायिकता है, ये प्रायिकता जो है 1/3 आई इसकी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, दूसरा यहाँ बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोला गया है डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए, डी प्राप्त हो तो यहाँ आप काउंट करिए, देखिए डी कितनी बार आया है, तो आप बोलेंगे 1 बार आया है। तो आर की वैल्यू 1, आर मतलब क्या हो गया, प्रयत्न की संख्या, टोटल एन बराबर 6 है, इसलिए पी ऑफ ई इक्वल टू स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन एन होता है, इसलिए हम लिखेंगे 1/6, ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल एक और लेते हैं, सवाल नंबर 21 लेते हैं। देखिए, सवाल पे आपको लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह सवाल देखिए आप। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, 144 बॉल पेनों में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक रूप से एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन पढ़ा एक बार, मैं क्वेश्चन अब आपको रिपीट करके समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास 144 पेनों का एक समूह है और उसमें से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे है। आपके पास 100 टोटल पेन कितने हैं, 144 है, उसमें 20 खराब है, बाकी के अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा हो, और परंतु पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे जो खराब है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक रूप से एक पेन निकाल कर आपको देता है, और वह पेन की क्या प्रायिकता है। पहला क्वेश्चन है उसमें, आप वह पेन खरीदेंगे
दूसरा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप कौन सा पेन खरीदेंगे? तो आप वह पेन खरीदेंगे जो आप अच्छा पेन है, आप खराब पेन नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे देखो लिखते हैं कूल पेन, यहाँ पे लिखेंगे इस सवाल का आंसर। देखिए कूल पेन बराबर 144, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दिया है 20 बॉल पेन खराब है, खराब पेन, खराब पेन बराबर कितने हैं 20। माइनस कर दीजिए यहाँ से तो अच्छे पेन आ जाएंगे। अच्छे पेन कितने हो जाएंगे? कुल पेन में से खराब पेन निकाल दीजिए तो अच्छे पेन मिल जाएंगे। तो अच्छे पेन आपको स्टूडेंट्स कितने मिलेंगे? 4, 14 में से 2 गया 12, 124। तो अच्छे पेन 124 से। यहाँ पे बोला गया है कि जो उसमें से कौन सा पेन खरीदना चाहता है, तो वह आप जो हैं वह अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं, आप वह पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं, आप अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं। पहला है आप अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं, खरीदेंगे, आप अच्छा पेन खरीदेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा पेन, तो अच्छा पेन के लिए R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छे पेन के लिए R की जो वैल्यू है 124 हो जाएगी, येन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 144। ओके, इसलिए फॉर्मूला इसका क्या जनरेट होगा? इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ ई इक्वल टू आर अपॉन एन। आर यहाँ पे डिनोट करता है कि प्रयत्न की संख्या और एन डिनोट करता है कुल प्रयत्न। तो इसका मान कितना 124 अपॉन 144, ये इसकी प्रायिकता हो गई। आप चाहे तो इसको काट करके अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये संख्या किससे कटेगी वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको किससे काटेंगे, ठीक है। तो ये देखिए चार, चार से कट सकता है क्या? 4 3 12 और 4 1 4, और ये हो गया 4 3 12, 4 6 24, 31/36। तो आप जो पेन खरीदेंगे उसकी प्रायिकता क्या है? 31/36। इस तरह से आपको ये प्रायिकता मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन इसका है, दूसरा क्वेश्चन है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो खराब है वह पेन आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन, खराब पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन न खरीदने की प्रायिकता ने की प्रायिकता, खराब पेन न खरीदने की प्रायिकता। इसलिए देखिए खराब पेन के लिए R का मान कितना है 20 हो जाएगा, और N का मान तो आप देख ही रहे 144 हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? P ऑफ E इक्वल टू R बटे में N। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं P ऑफ E, टोटल R का मान हो गया 20, बटे में N का मान हो गया 144। तो देखिए ये कट जाएगा 4 5 20, और ये हो जाएगा 4 6 36 बार में, ओके 5/36। तो इसकी जो प्रायिकता है P ऑफ E इक्वल टू 5/36 आ गई, ओके स्टूडेंट्स। और इसकी प्रायिकता कितनी आ गई थी? P ऑफ E इक्वल टू 31/36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने दो सवाल को देखा, ठीक है। एक और सवाल हम लोग देख सकते हैं, ठीक, एक और सवाल देखेंगे, लेकिन उसको हम अगले पीरियड के लिए बाकी रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।